नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम छठी कक्षा का अध्याय विद्युत तथा परिपथ के प्रश्न अभ्यास को करेंगे। तो आइए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत स्विच को उपयोग करने का क्या प्रयोजन है? कुछ विद्युत साधित्रों के नाम बताइए जिसमें स्विच उसके अंदर ही निर्मित होते हैं। उत्तर, विद्युत स्विच विद्युत परिपथ को जोड़ और तोड़ सकती है, इसलिए इसका उपयोग बल्ब को दीप्तिमान करने तथा अन्य बिजली की उपकरणों को अपनी सुविधा अनुसार चलाने और बंद करने के लिए करते हैं। इससे बिजली की बचत भी होती है। टेलीविजन, टेबल फैन, वॉशिंग मशीन, जूसर आदि कुछ विद्युत साधित्रे हैं जिसमें स्विच उसके अंदर ही निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न, किसी वस्तु के साथ चालक परिच्छित्र का उपयोग करके यह देखा गया कि बल्ब दीप्तिमान होता है, क्या इस वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है या विद्युत रोधक है? व्याख्या कीजिए। उत्तर, किसी वस्तु के साथ चालक परिच्छित्र का उपयोग करने पर बल्ब का दीप्तिमान होना यह सिद्ध करता है कि इस वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है। अगला प्रश्न, आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबर के दस्ताने क्यों पहनता है? व्याख्या कीजिए। उत्तर, रबर विद्युत रोधक वस्तु होता है जिसके कारण ये अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है। जब विद्युत मिस्त्री हमारे घर में स्विच की मरम्मत करता है तो नंगे तार से उसके अंदर विद्युत प्रवाहित हो सकता है, इससे उसे शॉक लग सकता है। रबर के दस्ताने इस शॉक से उन्हें बचाता है, इसलिए स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबर के दस्ताने पहनता है। अगला प्रश्न, विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार जैसे कि पेचकस और प्लायर्स के हाथों पर प्रायः प्लास्टिक या लकड़ी का आवरण चढ़े होते हैं, क्या आप इसका कारण समझा सकते हैं? उत्तर, प्लास्टिक या लकड़ी विद्युत रोधक वस्तु होता है जो विद्युत मिस्त्री को विद्युत शॉक से बचाता है, इसलिए विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार जैसे कि पेचकस और प्लायर्स के हाथों पर प्रायः प्लास्टिक या लकड़ी का आवरण चढ़े होते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत सेल में कितने सिरे होते हैं? उत्तर, विद्युत सेल में दो सिरे होते हैं, एक धनात्मक सिरा होता है और दूसरा ऋणात्मक सिरा होता है। अगला प्रश्न, धनात्मक सिरा और ऋणात्मक सिरा को किस चिन्ह से दर्शाते हैं? उत्तर, धनात्मक सिरा को प्लस और ऋणात्मक सिरा को माइनस के चिन्ह से दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, बल्ब का तंतु किसे कहते हैं? उत्तर, प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। अगला प्रश्न, विद्युत रोधक किसे कहते हैं? उत्तर, जो पदार्थ अपने अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देता है उसे विद्युत रोधक कहते हैं, जैसे कि रबर, प्लास्टिक, लकड़ी इत्यादि। अगला प्रश्न, वायु विद्युत चालक है या विद्युत रोधक है? उत्तर, वायु विद्युत रोधक है। अगला प्रश्न, यदि आप विद्युत सेल के दो टर्मिनलों से जुड़े तारों को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्ति के बीच में मिला दे तो क्या होगा? यदि विद्युत सेल के दो टर्मिनलों से जुड़े हुए तारों को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्ति के बीच में
मिला दें यानी कि सटा दें, तो ऐसा करने पर विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बहुत ही तेजी से खर्च हो जाएंगे और हमारा विद्युत सेल काम करना बंद कर देगा। अगला प्रश्न, 5 विद्युत चालक पदार्थों के नाम लिखिए। उत्तर, सिक्का, चाबियां, पिन, सिलाई की सुई और एल्यूमिनियम की पत्ती। अगला प्रश्न, 5 विद्युत रोधी पदार्थों के नाम लिखिए। उत्तर, कॉर्क, रबर, कांच, लकड़ी का गुटका, प्लास्टिक की स्केल। अगला प्रश्न, तारों को बनाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग किया जाता है? उत्तर, तारों को बनाने के लिए तांबा, एल्यूमिनियम तथा अन्य धातुओं का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, हमारा शरीर विद्युत चालक है अथवा विद्युत रोधी है? उत्तर, हमारा शरीर विद्युत चालक है, इसलिए विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। अगला प्रश्न, बल्ब कब फ्यूज होता है? उत्तर, जब बल्ब का फिलामेंट खंडित हो जाता है तब बल्ब दीप्त नहीं हो सकता, इसे फ्यूज बल्ब कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रायः विद्युत खंभों, विद्युत उपकेंद्रों पर खतरे का चिन्ह क्यों लगाया जाता है? उत्तर, खतरे का चिन्ह यह दर्शाता है कि यदि विद्युत का उपयोग उचित रूप से न किया गया हो तो यह अत्यंत ही खतरनाक हो सकता है। अगला प्रश्न, खुला परिपथ किसे कहते हैं? इसे चित्र द्वारा समझाएं। उत्तर, जब परिपथ में लगा हुआ स्विच ऑफ की अवस्था में होता है तो परिपथ पूर्ण नहीं होता है और परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसे ही खुला परिपथ कहते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अगला प्रश्न, घर पर अनावश्यक पड़े सेल यानी कि बैटरी को खोलकर परीक्षण करें तथा बताइए कि उसमें क्या क्या सामग्री है। उत्तर, घर में प्रयुक्त होने वाले सेल शुष्क सेल होते हैं। इसमें जस्ते का एक बर्तन होता है जिसके ऊपर कागज एवं प्लास्टिक की अवरोधी परत चढ़ी होती है। इस बर्तन में कार्बन एवं मैग्नीज डाइऑक्साइड का काले रंग का मिश्रण भरा होता है। बर्तन के बीचों बीच ग्रेफाइट की एक छड़ लगी होती है जिसके ऊपर पीतल की टोपी लगी होती है। जस्ते के बर्तन का निचला खुला भाग रिन टर्मिनल तथा पीतल की टोपी धन टर्मिनल का कार्य करती है। इस तरह से दोस्तों हम अध्याय विद्युत तथा परिपथ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का अभ्यास कर चुके हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।